जैसे जो मॉडल बने हैं वो एज इट इज पब्लिक पे नहीं थोपे जाएंगे, राइट? उन्हें पहले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो डेलीवरेट करेंगे और लाइव डेलीवरेट करेंगे, राइट? मतलब वो लाइव टेलीकास्ट होगा। उसके पीछे फीलिंग ये है कि जब एक्सपर्ट उस पर चर्चा कर रहे होंगे, वो एक पब्लिक में चर्चा में, पब्लिक के संज्ञान में भी उसके कुछ कुछ फीचर्स आने लगेंगे, राइट? 15 दिन तक जो है ये चर्चा एक्सपर्ट्स के बीच में विभिन्न जगहों पे होगी, हर जगह पे लाइव होगी और लोगों को जो है ना हर जगह की चर्चा को सुनने का मौका मिलेगा। सो चर्चा ऐसा भी नहीं है कि एक जगह पे हो रही है, चर्चा मेरे मालूम पड़ा के सभी रीजन्स में हो रही है, तो रीजन स्पेसिफिक जो है ना सजेशंस भी एक्सपर्ट की आ जाएंगी, राइट? सो वी विल बी इन पोजिशन टू कैप्चर द वेरिएबिलिटी इन परसेप्शन एंड एक्सपर्ट्स की, राइट? अब पहली डिग्री ऑफ रिफाइनमेंट इससे हुआ, जो एक्सपर्ट्स के व्यू से हुआ, किनका हुआ? ऑलरेडी डेवलप्ड मॉडल्स का, राइट? फिर जो है 45 दिन तक उसकी डिबेट जो है वो पब्लिक के साथ है, वो भी लाइव है, राइट? तो ये 45 दिन का एक बड़ा समय होता है। इस समय में लोगों के कंसर्न्स, लोगों की चिंताएं, लोगों के सुझाव सब कैप्चर हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब सेकंड डिग्री रिफाइनमेंट होगा, जो ये चीजें आएंगी, राइट? फिर जो है डेलिब्रेशन होगा चंद्रगुप्तों से, यहाँ चंद्रगुप्त से तात्पर्य है कि जो ऐसे चंद्रगुप्त जो कि इलेक्ट होकर विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बन गए हैं, राइट? और ये डेलिब्रेशन भी पार्लियामेंट या विधानसभा के अंदर नहीं होगा, इट विल बी इन पब्लिक स्पेस एंड इट विल बी लाइव टेलीकास्टेड एंड एवरी वन हैज टू स्पीक, मतलब इट इज अदर वे अराउंड, 15 दिन लंबा है, राइट? तो हर किसी को, यदि मान लो आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो यू हैव टू से आई हैव नथिंग टू ऐड, सही है बिल्कुल। तो आपका जो है आपको अपनी हर बात कहने का मौका मिलेगा। तो देखा जाए तो पब्लिक का तो हमने पहले ही कैप्चर कर लिया है, तो अब आप पब्लिक के हैसियत से कम, अपनी व्यक्तिगत हैसियत से ज्यादा आप अपनी बात कहेंगे कि साहब ये चीज हमारा पहलू है, हमने लोगों से बातचीत की, इतने गए हैं, तो शायद ये डायमेंशन है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। तो तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट जो है वो विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री से पार्लियामेंट और विधानसभा के बाहर कैप्चर किया जाएगा, और इसके बाद फिर अंदर जो है जाएगा ये पार्लियामेंट या विधानसभा में, और उसमें जो है हर पहलू पे सेक्शन वाइज जो है ना डिबेट होगी, एंड इसके बाद जो है ना वो कानून बनेगा। अब बताओ इंडिविजुअल जो एवरेशन है वो अपने आप जो है ना खत्म हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यदि मान लो मैं एक बदमाश आदमी हूं और मेरे सिर पे ताज आ गया, तो क्या हम पब्लिकली वो बदमाशी कह पाएंगे? नो, वो तो नहीं कह पाएंगे, लोग बाग सड़े टमाटर मारेंगे। अच्छा, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के बतौर नहीं कह पाएंगे कि आप पब्लिक के ठेकेदार नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने तो अपनी बात सीधे सीधे भी कह दी है ना। तो आप जो है पब्लिक का सहारा लेके गलत बात कहने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो बताओ ये नियम कानून जो है सब बदल जाएंगे कि नहीं बदल जाएंगे? नहीं, वो तो हो जाएगा, क्या कहते, टाइम लगेगा। तो हमारा उसमें यही कहना है, हमने तो जो है इस मिशन में सभी पॉलिटिकल पार्टीज का भी स्वागत किया है, पंच सरपंचों का स्वागत किया है, और इसमें जो मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ वो ये है कि आगे चल के तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा, और चुनाव का जो वो होगा वो लेयरिंग के साथ होगा। मतलब पहले जो है पंच सरपंच चुने जाएंगे, पंच सरपंच से राज्य सरकार चुनी जाएगी, राज्य सरकार के से आगे के लोग जो है ना वो चुनेंगे नेशनल गवर्नमेंट, तो जो वो हायरार्की है और जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन से वो अपने आप खत्म हो जाएंगे, और मतलब स्वच्छता जो है अपने आप बनी रहेगी, अच्छा, और उसमें जो है एक एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था भी उसमें कंसीव की गई है, तो जो अभी करोड़ों का खर्च है हो ही नहीं पाएगा, वो भी जो है कम वो हो आपका जो है 1-to-1 कैनवासिंग प्रतिबंधित रहेगी, एक अपराध होगा। कैंडिडेट को अपना कन्वासिंग खुद करना है और करने का तरीका केवल डिजिटल है, राइट? तो जो हमारा चुनाव आयोग है उसकी जिम्मेवारी है कि आपके 3 या 4 वीडियो जो भी फ्रीक्वेंसी तय की जाएगी वो आपको बनाने का
वो मदद करेगा, वो बनवाएगा आपकी, राइट, मतलब उसकी टीम बनाएगी आपकी, राइट। यदि आप अपना वीडियो खुद भी बनाना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट ये लगाना पड़ेगा कि ना तो वीडियो बनाने का भुगतान आपने किया और ना ही सामने वाले ने आपसे लिया, दोनों के सर्टिफिकेट लगेंगे। तो आप पेमेंट करने की स्थिति में है कि नहीं है, बट एक्सपेंडिचर करना अपने आप में जो है ना एक अपराध है। मतलब ये कि स्वावलंबी जो है वो भी जरूरी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो आप ये बताइए, अच्छा इसके बाद जो है, जैसे आपने विधायक को चुन लिया, विधायक अपने सीएम, उप सीएम, गृह मंत्री सबका पृथक पृथक चुनाव होगा और वो भी उसी ऐप के माध्यम से होगा। तो उससे फायदा क्या है कि डिपेंडेंसी नहीं रहेगी किसके ऊपर, लेजिस्लेचर के ऊपर। आपको जो है ना वो इधर बांट रहे हैं, इधर वो उसको खरीद रहा है, खरीद फरोख्त रही नहीं, वो तो जो है ना। अच्छा, जो एग्जीक्यूटिव पॉलिटी बनेंगे, मतलब यू मीन्स जो मंत्री मुख्यमंत्री आदि बनेंगे, उनको वोटिंग राइट नहीं होगा। अभी तो उल्टा है, उनके पास वीटो पावर है, उनके पास तो जो है पार्टी व्हिप है, राइट। तो पार्टी व्हिप तो छोड़ दो, उनके पास तो वोटिंग पावर भी नहीं रहेगा। इसका मतलब है कि जो कानून बनेंगे भविष्य में वो अपनी स्ट्रेंथ पे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और ड्रिल वो ही रहेगी कि पहले आप बन के जो है ना आप पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, वो पहले एक्सपर्ट के पास जाएंगे। तो आप बताओ, आपके जितने भी घटिया प्रावधान है वो एक्सपोज भी हो जाएंगे और धुल भी जाएंगे। आप घटिया कानून पार्लियामेंट में ला पाओगे क्या? नहीं, फिर नहीं ला ही नहीं पाओगे आप। जब शुरू से ही मतलब स्वच्छता चलेगी तो हमेशा ही स्वच्छ रहेंगे। हाँ, अच्छा दूसरी बात है, पार्टी लाइन रहेंगी नहीं आगे चल के, देयर विल बी नो पार्टी लाइन। भाई राष्ट्रीय हित के लिए पार्टी क्यों चाहिए आपको? बिल्कुल सही, क्योंकि फिर तो आप पार्टी हित को साथ रहे। आज ये बताइए, क्या आज का हमारा रिप्रेजेंटेटिव जिनके वोट से चुना जा रहा है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? क्या वो उनकी हित की बात कहने की औकात रखता है क्या? वो आज पार्टी हाई कमांड का बंधुआ मजदूर है। वो पार्टी हम हाई कमांड के निर्देश के अलावा और कुछ भी बोलने की उसकी क्षमता और औकात नहीं है। उसका स्टेटस एक बंधुआ मजदूर का है। क्या गुप्ता जी मुझे बताइए, जो बात मैं कह रहा हूँ इसमें आपको कुछ गलती या एग्जैजरेशन लग रहा है क्या? हेलो, हेलो, हेलो,